स्वागत है आपका कार्तिक की मनचाही खबरों में। पहली खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर वड़ा पाव ने मचा दिया है हाहाकार। कोई रोई हो रहा है उसको, कल बोला उसने। मुंबई से ज्यादा दिल्ली में हो रहे हैं वड़ा पाव के चर्चे। वड़ा पाव, मेरा वड़ा पाव। एक व्यक्ति के 6 वड़ा पाव मांगने पर दीदी ने कर दिया साफ इनकार। ज्यादा तो मिली नहीं रहा। माना जा रहा है 6 लोगों की फैमिली में उस दिन 2 लोगों को सोना पड़ा भूखा। लाइन में लगे लोगों को वड़ा पाव के साथ दीदी दे रही है प्रवचन बिल्कुल मुफ्त। तेरे पे तो लाइन लगी रहती है। वड़ा पाव लेने आए लोग भी ले रहे हैं इस सेवा का मुफ्त में आनंद। माना जा रहा है आज तक की सबसे बड़ी कोलैबोरेशन करी है दीदी ने। वड़ा पाव का मिलन हुआ चाय के साथ, आई मीन डॉली के साथ। माना जा रहा है कोलैबोरेशन के बाद वड़ा पाव और चाय के स्टॉक्स भरने वाले हैं उड़ान। मोमोज, चाप और छोले भटूरों के स्टॉक्स में आ सकती है मंदी। अगले लेवल पे फीलिंग आना। एक दीदी ने बोला था सबके लेवल्स निकलेंगे, उनका मतलब था इससे लेवल सबके निकलेंगे। जिम जाने वालों के लिए खुशखबरी, उनके लिए आ चुका है 0 कैलोरी वड़ा पाव। वड़ा पाव में कैलोरीज नहीं होता सर, क्या होता है? दौड़ी चली आई दीदी के, दौड़े चले जाने की वजह से कस्टमर्स को करना पड़ा बहुत देर तक इंतजार। माना जा रहा है दीदी जो मेहनत करती है ऐसी मेहनत कोई और नहीं है कर सकता। बहुत सारी रिसर्च के बाद दीदी के वड़ा पाव के टेस्ट का राज मिल गया। जिन हाथों से किए जा रहे हैं बाल सेट उन्हीं से बनाया जाता है वड़ा पाव। कहने में आ रहा है ग्लव्स पहनकर खाना बनाना हो सकता है हानिकारक। सुनने में आ रहा है बेचारा पति आता है सिर्फ लाइन लगवाने। लाइन लगवा दे फटाफट। उसके लाख बुलाने पर भी उसकी नहीं है सुनी जाती। क्या इसी का नाम घमंड है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करिए जी बिल्कुल, अगर ना तो कमेंट करिए जी नहीं। जानना चाहेंगे जनता की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। हमेशा गुस्से में रहने वाली दीदी को देखा गया आज मुस्कुराते हुए। लोगों का भीड़ को लेकर क्या कहना है सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। देखने के लिए 200 से 300 लोगों की भीड़ हो गया ना, काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। हमें अपने प्रवक्ता द्वारा पता चल पा रहा है कि दीदी रोज बेचती है 300 वड़ा पाव, यानी प्रतिदिन का 15,000 रुपए। इस बात पर मैं कहना चाहूंगा कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए और लग जाइए मेहनत करने। इससे साफ दृश्य मिल पा रहा है कि हमारा युवक भटक रहा है। एक और नया खुलासा, नहीं मिलेंगी 15 से ज्यादा मिर्ची। 15 मिर्ची हर पैकेट में डालती हूँ। बच्चे से बोलते हैं ना पूरी थाली करते। सूत्रों से पता चल पा रहा है कि भीड़ में ज्यादातर लोग अपने ऑफिस से झूठ बोल कर आए हैं केवल वड़ा पाव खाने। 5:06 हो चुके, 4:30 बजे लगा। एक मिनट, ये व्यक्ति दोबारा, अब मुझे दाल में कुछ काला नहीं पूरी दाल ही काली लग रही है। पाया गया दीदी ने बार बार मांगने पर भी चटनी देने से किया इनकार। चटनी डाल के नहीं देती मैं, क्योंकि चटनी से पूरा आपका वड़ा पाव खराब हो जाए। ब्रेकिंग न्यूज, सुनने में आ रहा है दीदी को ब्लॉगर्स ने है घेर लिया। समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये भीड़ ब्लॉगर्स की है या फिर आम जनता की। एक बीवी ने अपने पति को वड़ा पाव ना मिलने की वजह से दिया तलाक। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर दीदी को थोड़े दिनों में सिक्योरिटी मिल जाए। पाया गया है कि वड़ा पाव ला रहा है रिश्तों में दरार। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इसे सिर्फ और सिर्फ केवल फन और एंटरटेनमेंट के नजरिए से ही देखिएगा और किसी के भी प्रति हेट मत फैलाइएगा।